नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, जिसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मार्केट में गिरावट के साथ। अगर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आए, छोटा करेक्शन आए, तो इस वीडियो में हम इन सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो पहला स्टॉक है 3i40 अभी काफ़ी न्यूज में है। यहाँ पर एक दोबारा आपको एंट्री करने का मौका मिला, क्योंकि यह स्टॉक 9.30 रुपीज़ जाने के बाद फिर से ये नीचे के प्राइस पर आपको मिला। अगर आप नीचे के प्राइस पर बाय कर लेते तो काफ़ी बेहतरीन था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि ये 7.40 रुपीज़ तक आया था। समझ सकते हैं, एक दिन में आप बाय करते तो 10% का रिटर्न आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दिया तो आप AMO ऑर्डर लगा सकते हैं। 9 बजे से पहले AMO ऑर्डर लगाना है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको एकदम चाहिए, छोटे अमाउंट में बाय करना है, बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल छोटा अमाउंट आपको हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि ऐसे छोटे स्टॉक में आपको छोटे अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। जैसे आप 1000 रुपीज लगा सकते हैं, 2000, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको स्टॉक नहीं मिल रहा है अब, तो आपको AMO ऑर्डर प्लेस करना है 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद प्लेस कर देंगे तो आपका बाइंग हो जाएगा। लेकिन इसमें भी रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ही ये भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो ये स्टॉक अभी के लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ से सिर्फ इसके सॉफ्टवेयर बिजनेस का, जबकि इसके सर्विस बिजनेस का अभी जो है बाकी है वैल्यूएशन लगाना। अगर सर्विस बिजनेस का बात करें तो 50 कंट्रीज में इसकी सर्विस चलती है, तो आप सॉफ्टवेयर इसका जो प्रोडक्ट है और जो इसका सर्विस बिजनेस है, दोनों को मिला करके समझ सकते हैं इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। कम से कम तो 2000 करोड़ होना चाहिए, अभी मार्केट कैप मात्र 1100 करोड़ है, तो काफ़ी पोटेंशियल इस स्टॉक में ऊपर जाने का। तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पैनिसेयर ही है। पैनिसेयर की कोई गारंटी नहीं होती कि ऊपर जाएगा या क्या जाएगा। अगर डील पक्की हो गई, कंपनी के साथ पार्टनरशिप पक्की हो गई, तो निश्चित है कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से देगा। उसके बाद दूसरी कंपनी है रूट मोबाइल। ये काफ़ी मतलब न्यूज में था आज, क्योंकि आज इसमें 10% का लोअर सर्किट लगा है, देख सकते हैं। और ये कंपनी कल अपना ऑल टाइम हाई लगाया, कल जो है इस ये कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई 1305 रुपये का लगाया, जबकि 1280 रुपये का मैंने इसमें टारगेट दिया था। कई सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने 1280 का टारगेट दिया था, जैसे वो अचीव हुआ, और देख सकते हैं कि अगले ही दिन इसमें 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, गिरावट हो रहा है काफ़ी अच्छी बात है, गिरावट का वेट करना है। जब ये लोअर लेवल पर मिले तो SIP में इसमें इन्वेस्ट करना है। काफ़ी अच्छी IT कंपनियाँ हैं और बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में ये आपको दे सकती है। अगला है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, 355 रुपीज़ 80 पैसा अभी कंपनी का शेयर प्राइस है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का। आज ये 0.63% डाउन है, जबकि रूट मोबाइल देखते हैं 10% डाउन था। तो ये दो शेयर जो कि इसी साल मतलब 2020 में IPO में लिस्ट हुआ था, इसका करेंट प्राइस है रूट मोबाइल का 1142 1142 रुपये, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का जो करेंट प्राइस है 355 रुपये। तो रूट मोबाइल जो इस कंपनी से ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा 320 रुपीज़ से 380 रुपीज़ इसी बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब तक ये भी ब्रेकआउट एक अच्छा खासा नहीं दे देता है, तब तक आपको भी इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करना है। जब जब नीचे की गिरावट में मिले आप इसमें SIP करते रहिए। लेकिन याद रहे कि जो कंपनी है उसके बिजनेस पर और उसके रिजल्ट में प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि आप कंपनी में इन्वेस्ट ना करके उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, गिरावट में मिले तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से, ये हमारा एक जो है PSU स्टॉक है। और ये दोस्तों इसका अगर हम 52 वीक लो की बात करें, मात्र 10 रुपीज़ का ये स्टॉक था, और 10 रुपीज़ से देखते हैं 30 रुपीज़ का जर्नी, मतलब 3 गुना हो चुका है। और ये हाई लगाया था 35 रुपीज़ का। तो इसमें जितनी तेज़ी आती है उतनी ही गिरावट भी काफ़ी तेज़ होती है, ये याद रखिएगा। और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है, और ये PSU स्टॉक है, तो इसमें हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन PSU स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, कोई भी PSU स्टॉक का वैसा परफॉर्मेंस नहीं है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। अभी 30 रुपीज़ 15 पैसा इसका करेंट प्राइस है, 10 रुपीज़ इसका
52 वीक लो है। अगला स्टॉक है हमारा यस बैंक। यस बैंक में आपको डेली मिलेगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस को जो टारगेट है 50 रुपीज है, 70 रुपीज है, 200 रुपीज है, 40 रुपीज है। अलग अलग आदमी से अलग अलग टारगेट सुनिएगा, लेकिन ये स्टॉक देखते हैं 21 रुपीज का हाई लगाने के बाद उल्टा ही यहाँ पर नीचे गिरा। आज भी इसमें लोअर सर्किट लग चुका है 5% का, अप्रॉक्स 5% ये डाउन है। तो जितना हम मार्केट में हल्ला सुनते हैं कि ये कंपनी इतना बेहतरीन रिटर्न देगा, रिजल्ट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट था यस बैंक के, उसके बावजूद देखते हैं लगातार लोअर सर्किट। तो अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, 2 शेयर 4 शेयर इस तरह से बाय कीजिए, ताकि ये अगर 10 रुपये नीचे आता है, हो सकता है 10 रुपये से भी नीचे चले जाए, तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा पॉइंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ऊर्जा ग्लोबल। ये भी कंपनी आप आज देख सकते हैं, ना तो अपर सर्किट लगा ना तो लोअर सर्किट, आज इसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग हुआ यहाँ पर देखते हैं, नहीं तो इसमें ना तो या तो अपर सर्किट लगता था या तो लोअर सर्किट। तो ये बेहतरीन समय है, आप इसमें चाहें तो SIP मोड में इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं, कि जैसा आप बाजार में काफ़ी हल्ला देखते हैं ये स्टॉक मल्टी बायर रिटर्न देगा। दोस्तों अगर मल्टी बायर रिटर्न देना होगा तो इसे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो समझिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप होल्ड करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसे पैनी स्टॉक में कभी भी हाई लेवल पर इन्वेस्ट ना करें, छोटे अमाउंट ही इन्वेस्ट करें, तो इसमें भी आपको बिल्कुल छोटा अमाउंट लगाना है। उसके बाद आता है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक कहा जाता है कि ये भी आने वाले समय मल्टी बायर रिटर्न देगा, लेकिन कोई नहीं जानता कौन सा स्टॉक मल्टी बायर देगा। अगर पहले से पता हो तो इसी में सारा का सारा रुपया इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। और इसका जो OFS आया था ऑफर फॉर सेल सुजलॉन एनर्जी, इसका अभी करेंट प्राइस देख लीजिए 6.10 रुपीज़ है, और ऊर्जा ग्लोबल इसका करेंट प्राइस है 7.80 रुपीज़। तो सुजलॉन एनर्जी थोड़ा सस्ते प्राइस पर भी उपलब्ध है, और ये इस स्टॉक में भी देख सकते हैं काफ़ी दिन बाद ट्रेडिंग आज देखने मिला, नहीं तो इसमें भी या तो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट। तो इसमें भी चाहे तो छोटे छोटे अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिरावट में मिले तो ज़्यादा बेहतरीन है, हाईर लेवल पर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। तो छोटे अमाउंट करना है और नीचे के लेवल आने देना है तब करना है। अभी ये भी अपने हाईर लेवल के आसपास चल रहा है, क्योंकि इसका 52 भी हाई है 8.45 रुपीज़। वहीं 52 वीक लो की बात करें 1.70 रुपीज़ है, और जो ऊर्जा ग्लोबल इसका 52 वीक हाई है 9.14 रुपीज़, और 52 वीक लो है मात्र 86 रुपीज़। तो देखते हैं अपने 52 वीक हाई के करीब दोनों स्टॉक चल रहा है। उसके बाद आते हैं कीर्ति इंडस्ट्रीज। ये काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसमें लगातार कई दिनों से अपर सर्किट देखने मिला है, और इसका भी अगर लो की बात करें 10 रुपीज़ इसका लो प्राइस है, और 64.40 रुपीज़ अपनी 52 वीक हाई पे है। तो 600 टाइम्स का रिटर्न दे चुका अपने इन्वेस्टर को, जिन्होंने भी गिरावट में इसमें इन्वेस्ट किया था। उसके बाद आता है वोडाफोन ITR। ये भी स्टॉक काफ़ी मतलब अंडर परफॉर्म है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसे डेट में रिलीफ मिलता है तो निश्चित है कि यह स्टॉक काफ़ी बड़ा एक मल्टी बायर रिटर्न आपको दे सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका 52 वीक लो देखिएगा तो 2.70 रुपीज़ है। तो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस तभी आपको देखने मिलेगा जब ये कंपनी परफॉर्म करे, अपने डेट को रिड्यूस करे। जब तक कंपनी का डेट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तब तक आपको इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है अगला ट्रीडेंट लिमिटेड। ट्रीडेंट इसका करेंट प्राइस है 14.55 रुपीज़, और आज ये 9% अप है, देखते हैं 9% अप। तो ट्रीडेंट भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक जब 4 रुपीज़ का हुआ करता तब से मैंने इसको आपको रिकमेंड किया था। इसका लोवेस्ट प्राइस जो था 3.05 रुपीज़, और इसका हाई जो बनाया था वो 17 रुपीज़ का ये बनाया था, 16.95 रुपीज़ का, और अभी आपको ये 14.55 रुपीज़ पे मिल रहा है, और ये आज 10% अप है। और जितना तेज़ से ये जाता है उतने तेज़ी इसमें गिरावट भी होती है मार्केट के साथ, लेकिन ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसका कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बेहतरीन है, 2.89% का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है, साथ साथ कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस भी काफी अच्छा है। अगला है मैजेस्को लिमिटेड। ये भी काफी सॉलिड स्टॉक है। इसका देखिए आज 4.93% लगातार अपर सर्किट। इसका जो लोवेस्ट प्राइस था 12.20 रुपीज़, और ये कंपनी का जो शेयर प्राइस आपको इतना कम देखने मिला क्योंकि ये 974 रुपये का डिविडेंड दिया था, और जिसके कारण वो डिविडेंड का अमाउंट जब माइनस करेंगे शेयर प्राइस में तो शेयर का प्राइस भी
970 रुपीज़ होता था, तो वहाँ से कंपनी 12 रुपीज़ पे ओपन हुआ और वहाँ से 300 टाइम्स बढ़ चुका है, 300 टाइम्स का रिटर्न दे चुका अपने इन्वेस्टर को। अगर आपने भी इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस देखने लगातार अपर सर्किट के साथ ऊपर जा रहा है। उसके बाद है बेकरांगी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन इस ये कंपनी में जो स्कीम आया था, स्कीम के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला और ये कंपनी कभी 400 रुपीज़ का हुआ था 500 का, और अपना 52 वीक लो पे आ चुका था 17 रुपीज़ पे स्कैम के बाद। लगातार कई सालों से इसमें गिरावट देखने मिला है, अभी थोड़ी सी इसमें रिकवरी हुई लेकिन फिर से गिरावट हो रहा है देखते हैं लगातार लोअर सर्किट के साथ। तो इस स्टॉक को कभी भी आप 20 रुपीज़ के आसपास ही खरीदने का कोशिश, उसके हाइयर प्राइस पे खरीदने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि जब कंपनी एक बार स्कैम में आ गई तो जब तक उसको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देता तब तक आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी मूवमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक थे जिसमें आपको क्या करना है इस वीडियो में मैंने चर्चा किया। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।